मेरी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और अपने वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ भूटान के बारे में। तो मेरा ऑलमोस्ट 10 डेज का ट्रिप था भूटान का, एंड अब ये ट्रिप ख़त्म होने पे है। ऑलमोस्ट सारे दिन निकल गए और अभी मैं हूँ पारो में। तो मैंने सोचा कि आपसे इस पूरे एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए कि कैसा रहा मेरा सफ़र इन 10 दिनों का भूटान के अंदर। सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। मतलब इसकी ब्यूटी को आप ना कैमरे से दिखा सकते हैं ना कहीं लिखा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो आप कई बार वीडियो में देखेंगे आगे कि मैं इस जगह की खूबसूरती के बारे में बता रहा हूँ, मैं नई नई जो चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की, नई जगहों पर मैं गया उसके बारे में बता रहा हूँ, यहाँ के खाने के बारे में बता रहा हूँ जो कि मेरा फेवरेट है भाई, और यहाँ के लोग, कल्चर, हेरिटेज, इन सब की बातें पूरे इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगी। तो कुछ बातें मैं यहाँ पे पहले शेयर करता हूँ, आगे भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि भूटान क्या है और अगर आप प्लान कर रहे हैं भूटान आने का तो किन चीज़ों का, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी बता दूँ इसकी। इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच में भूटान एकदम सैंडविच की तरह बसा है। करीब 9.5 से 10 लाख लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ की ग्रोथ का जो पैरामीटर है वो GDP नहीं है, यहाँ की ग्रोथ का पैरामीटर है GNH, यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जी, जिसका मतलब होता है कि यहाँ के लोग कितने खुश हैं, यही पैरामीटर है इस देश के ग्रोथ का। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका बेस खुशहाली से बना हो वो देश कितना ही खुशहाल होगा। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये इकलौती ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जो कार्बन नेगेटिव है। कार्बन नेगेटिव का मतलब होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है उसका 3 गुना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देती है। इसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो ठंड पड़ती है और जो तूफान आते हैं, बर्फीले तूफान कई जगहों पर, तो उसे एक ड्रैगन का रूप दिया जाता है। मतलब ड्रैगन सिम्बलाइज किया जाता है कि इतना पावरफुल होता है वो ड्रैगन की जितना। लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, हर जगह आपको हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा, बहुत हेल्पफुल है। आप कई चीज़ों में मैंने देखा, मतलब वो आउट ऑफ द वे जाके भी आपकी हेल्प करना चाहेंगे, तो काफ़ी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि भूटान में एजुकेशन और दवाइयाँ, मेडिकल, ये दोनों फ्री है, दोनों सरकार की तरफ से होता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने, और आप जो टैक्स जमा करते हैं ये पैसे उसी से आते हैं और उसमें से ही आपको ये सुविधाएं मिलती हैं, तो जो वो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैंने एक बार सुना भी ये कि अगर कहीं किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है, दूर गांव में है, वो एडमिट हुआ, इलाज नहीं हुआ, तो उसे शहर आना है, तो वहाँ के डॉक्टर्स हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए डिमांड कर सकते हैं और वो पेशेंट को हेलीकॉप्टर से शहर में लेके आ सकते हैं, उसका इलाज फ्री में होगा और इसके कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसों से अगर ये सुविधाएं मिल रही हैं तो काफ़ी अच्छा है ये। करेंसी की बात करते हैं तो अपना 1 रुपया इक्वल्स टू यहाँ की करेंसी जिसे नगल ट्रम बोलते हैं, नगल ट्रम, तो 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 नगल ट्रम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपने यहाँ का 500 से नीचे का जितना भी नोट है वो सब चलता है, 500 का भी चलता है, कहीं कहीं 2000 रुपये का भी नोट चल सकता है लेकिन ज़्यादातर नहीं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भूटान 99% कैश कंट्री है, जिसका मतलब है कि कहीं भी आपको कार्ड स्वाइप करने के लिए मशीन नहीं मिलेगी। बहुत कम जगहों पर, जैसे अगर आप ड्यूटी फ्री शॉप में जाते हैं या किसी बड़े शोरूम में जाते हैं तो शायद आपको कार्ड स्वाइप करने का ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ऐसे 99% ये कंट्री कैश पे चलती है। तो आप हमेशा, जब भी आप अगर भूटान आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने साथ कैश ज़रूर रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अच्छा, आएंगे कैसे? बहुत लोगों का एक डाउट होता है, मेरा भी था कि भाई विदेश है, बिना पासपोर्ट के कैसे जाएंगे? तो आपके लिए बता दूं कि अगर आप घूमना चाहते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा विदेश घूमने का, जहाँ पे कि आपको पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
आपको सिर्फ दो में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। पहला, आपके पास होना चाहिए एक पासपोर्ट, ठीक। अगर पासपोर्ट नहीं है तो चलेगा आपका वोटर आईडी कार्ड। होता है क्या है कि आप पहुंचते हैं फुनसुलिंग, ठीक है, जहां से कि ये परमिट का सारा काम होता है। वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में किस तरह फुनसुलिंग पहुंचना है और किस तरह ये परमिट लेना, सारी चीज़ें डिटेल्स में मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं अभी कि आप पहुंचेंगे फुनसुलिंग और वहां से आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, एक फॉर्म भरेंगे और वहां पे आपको मिलेगा एक परमिट। परमिट क्या होता है कि आपको 7 दिन भूटान में रहने के लिए परमिशन मिलता है, जिसमें कि आप दो जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला है थिम्पू, जो कि कैपिटल टाउन है, और दूसरा है पारो, जो कि एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसे बोलते हैं टाइगर्स नेस्ट। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, पूरी डिटेल वीडियो है, इनफैक्ट उस वीडियो में तो आपको दो दो सेलिब्रिटीज़ मिल जाएंगे। तो ये दो जगह का परमिट आपको मिलेगा। और अगर आपको अलग अलग जगह घूमनी है तो उसके लिए आपको अलग से थिम्पू आने के बाद परमिट निकलवाना पड़ेगा। ये जो परमिट मिलेगा ये उसी 7 दिन वाले परमिट के अंदर ही आपको घूमना होगा। अगर आपको 7 दिन से ज़्यादा रहना है तो अपने ट्रैवल के 2 दिनों के बाद, ठीक है, जैसे कि अगर आप 1 तारीख को भूटान पहुंच रहे हैं तो 1st, 2nd आपको घूमना होगा और 3rd को, मतलब 3rd दिन आपको जाना होगा परमिट एक्सटेंड कराने के लिए। मतलब आप एक दिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप आज पहुंचे और कल पहुंच गए कि मैं भाई मेरा परमिट आप बढ़ा दो अगले 2, 4, 5 जितने भी दिन के लिए। तो आपको ना 2 दिन का समय देना पड़ेगा, फिर आपका परमिट बढ़ सकता है और वो भी होगा थिम्पू के इमिग्रेशन ऑफिस से। ये पूरी डिटेल मैंने आगे दिखाई है वीडियो में। परमिट हो गया, घूमने की जगह हो गई। आप जब यहाँ आए तो अपने साथ कुछ चीज़ें रख लें, जैसे गर्म कपड़े, अच्छे गर्म कपड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर सर्दियों में आना है तो बहुत सर्दी पड़ेगी, कई जगह बर्फ़ भी पड़ सकता है। जो बेस्ट मौसम है यहाँ आने का वो कहते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये इस समय बहुत अच्छा है। बारिश के मौसम में नहीं आए, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और ठंड में भी आ सकते हैं, लेकिन ठंड में अगर आप ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आइए, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ़बारी भी होती है, रोड्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए ये अपना थोड़ा मौसम का ध्यान रखिए, गर्म कपड़े ज़रूर रखें, अच्छे हाइकिंग शूज़ ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि अगर आप पारों में टाइगर्स नेस्ट जाते हैं तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो ये चीज़ें आपके पास होंगी। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे खाना कैसा मिलता है, खाने पीने की क्या सुविधा है यहाँ। तो खाना ऑलमोस्ट इंडिया जैसा है, थोड़ा सा अलग है, बट टेस्ट वाइज आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी रिच खाना होता है यहाँ का, हर खाने में ऑलमोस्ट चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लोकल ग्रोन चीज़ भी होता है इनका और अपने यहाँ से जो चीज़ आता है वो भी यूज़ करते हैं ये लोग। खाने में आप खा सकते हैं एमादात्सी, मशरूम दात्सी, बीन दात्सी, देन साग दात्सी, फिर रेड राइस, चिकन चिली, फ्राइड राइस, नूडल्स, बहुत चीज़ें मिलती हैं। दात्सी यहाँ की बहुत फेमस डिश है और एमादात्सी यहाँ की नेशनल डिश है। एमादात्सी मतलब मिर्ची और चीज़, तो मिर्ची और चीज़ का कॉम्बिनेशन करके ये एक सब्ज़ी बनाते हैं जिसे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है और उसे आप खा सकते हो। और वो मिर्ची तीखी भी नहीं होती है, कई जगहों पर तो बहुत माइल्ड मिर्ची मिलती है। तो खाने के वाइज अच्छा है। प्राइस पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो मुझे मिक्स्ड फीलिंग आई। आप जैसे देखो, अगर आप टूरिस्ट हो और होटल आप ढूंढ रहे हो तो होटल की कॉस्ट अगर अच्छे होटल में रहना चाहते हो तो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, 2500-2500 ऐसे, थोड़ा कम आप आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी। मेरा मानना है कि चूँकि ठंडी जगह है तो कुछ बेसिक सुविधाएँ आपको होनी चाहिए एक होटल के अंदर, जैसे कि रूम हीटर हो, आपका गीज़र जो प्रॉपरली काम करता हो, अच्छे ब्लैंकेट्स दिए जाएं, तो थोड़ा सा प्राइस रेंज इन सब चीज़ों के लिए बढ़ता है। अगर आप कम वाले में जाएंगे तो हो सकता है कि साफ़ ब्लैंकेट ना मिले, गीज़र ना मिले, पानी, गर्म पानी की व्यवस्था ना हो, रूम में हीटर ना हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बजट के मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सके, लेकिन हाँ 2200 रुपये तक में, 2200 में आपको अच्छा मिल जाएगा एक होटल। हम लोग भी जहाँ रुके थे वो भी होटल करीब 2200 रुपये का था पर डे का और काफ़ी अच्छा होटल, 3-स्टार होटल था, अच्छा सर्विस अच्छी थी, खाना भी अच्छा था उनका। उसके बाद अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोकल शॉप्स में जाके खाएं, जैसे लोकल जो जहां लोकल पीपल जाके खाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक टूरिस्ट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट में पहुंच गए तो वहां भाई बहुत पैसे लगेंगे, आपको ऑथेंटिक खाना भी नहीं मिलेगा। तो छोटे छोटे ना यहाँ क्या होता है कि घरों में लोग छोटा सा एक रेस्टोरेंट जैसा बना लेते हैं, एक कमरा, उसके अंदर टेबल चेयर्स लगा दिए और वहीं पर बैठ के खाना पीना होता है।
तो इन सब जगहों पे आप खा सकते हैं। मैंने एक दो जगह की वीडियो बनाई है, पारो में भी, थिम्पू में भी। तो पारो में एक्चुअली हम लोग का होटल जहाँ पे है, होटल सामदेन होटल नाम है, उसके ठीक सामने सुशीला रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट है, उसमें काफ़ी अच्छा खाना खिला है और बहुत सस्ता यार, गज़ब का सस्ता। तो है, सस्ते ऑप्शंस भी हैं, महंगे ऑप्शंस भी हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कहाँ मिलेगा। बाकी अगर आप टेस्ट के प्रति फ्लेक्सिबल हैं तब तो आप आराम से यहाँ पे खा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। सामान अगर ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा महंगा है, चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी महंगी लगी, बट आप अपने बजट पर अगर कुछ खरीदना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने ख़रीदारी नहीं की क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मुझे इंडिया में भी मिल जाती हैं, तो मैंने कोई ख़रीदारी नहीं की है। और ट्रैवलिंग, ट्रैवल कैसे करेंगे आप यहाँ पे? देखिए दो ऑप्शन है, अगर आप सोलो हैं या दो लोग हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं कि अपने साथ पीछे बैग वो डाला लटकाया और बस चल दिए, टैक्सी ढूंढ ली अपनी, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लिया, तब तो भाई बढ़िया है, आप घूम सकते। लेकिन हाँ, इसमें समय लगेगा क्योंकि यहाँ हर चीज़ टाइम लगे। जैसे अगर आप बस लेना चाहते हैं तो बसेस की कोई एक टाइमिंग है, अगर आप लोकल सिटी के अंदर घूमना चाहते हैं टैक्सी लेते हैं तो वो थोड़ी बहुत कॉस्टली पड़ेगी, और टैक्सी छोड़ के और कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है शहर के अंदर घूमने के लिए। तो हमने क्या किया, हाशीमारा स्टेशन पे हमें एक कार वाले मिल गए यहाँ के लोकल, और उनके साथ बात की, तो 10 दिन का करीब करीब 2000 रुपये पर डे हमें उन्होंने हमको चार्ज किया। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे पास समय बहुत बच गया, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढना पड़ता या उसके समय के हिसाब से जाना पड़ता, तो वो चीज़ें बच गई। अब क्या होता था ना कि सुबह गाड़ी रेडी होती थी, अपना डिसाइडेड होता था कि ये चार पांच जगहें हैं जहाँ पे घूमना है, बस गाड़ी में बैठा, वो सब कवर किया, शाम को आराम से होटल पहुँच गया। तो ये मुझे ईजी लगा, पैसे नो डाउट लगे लेकिन फिर भी मुझे ईजी लगा। तो मैंने तो ऐसे किया है, और इससे मुझे बहुत मतलब, और कंट्रीज़ में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि प्राइवेट, आपकी अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदेमंद सौदा है। घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, और बेस्ट चीज़ यार मुझे ये लगी कि कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि फ्री हैं। अरे पूरे भूटान में, पूरा भूटान नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत रिच कंट्री है, तो कई सारे स्पॉट जो कि मतलब ऐसे ही आप सामने से देख सकते हो, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, तो ये सब तो फ्री हैं ही, साथ ही कुछ ऐसी जगह भी हैं जो कि आप ऐसे भी देख सकते हो, कई सारे मंदिर हैं, और कई सारे मंदिर जो महंगे मतलब जहाँ पैसे लगते भी हैं, वहाँ मैक्सिमम फीस है 500 रुपये की। मतलब मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय की बात बता रहा हूँ, 500 रुपये मैक्सिमम। जैसे अगर आप टाइगरनेस जाते हैं तो 500 रुपये लगेंगे, अगर आप ताशी चोजोंग जाते हैं तो 300 रुपये लगेंगे, और अगर आप नेशनल म्यूज़ियम करते हो तो भी 300 रुपये लगेंगे, फिर आप अगर बुद्धा डोडमा जाते हो तो वहाँ तो कुछ भी नहीं लगा, वो तो फ्री था, फिर और ऐसे मतलब 300, 200, 100, ऐसे सिंपली भूटान में 300 रुपये लगेंगे, तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत पैसे भी नहीं लगते। तो ओवरऑल आपका अगर खर्चा होगा कहीं तो वो होगा होटल और ट्रांसपोर्ट में, बाकी खाना पीना भी सस्ता है और घूमना भी सस्ता है, तो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ, इसके बाद आप प्लान अगर बना रहे हैं तो भूटान को 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ऐसे सब मतलब कर सकते हैं आप आराम से। 4 दिन का प्लान बनाते हैं तो आपको थिम्पू और पारो सिर्फ करना चाहिए, सेलेक्टेड चीज़ें जो मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 7 दिन के लिए आएँ, 7 दिन में आप अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे। कई अच्छा, एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे इंटरेस्टिंग, वो है कि छोटे छोटे जगहों पे, जैसे कि अगर आप पोपचिका एक जगह है वहाँ जाते हैं, या फिर आप हा वैली जाते हैं, तो वहाँ होम स्टे का ऑप्शन है। होम स्टे में क्या मिलता है कि आप किसी के घर में उसके गेस्ट की तरह रहते हैं, और आप वहाँ के ट्रेडिशन को मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनके साथ रह के, किस तरह वो खाना पका रहे हैं, किस तरह, जैसे एक हॉट स्टोन बात एक बहुत फेमस चीज़ आपको मिलेगी हा वैली में। उसमें क्या होता है कि लकड़ी का एक बाथ टब बनाया जाता है पानी, और साइड में गर्म पत्थर गर्म करके रख दिया जाता है ताकि उसकी गर्मी से पानी गर्म हो और उसमें आदमी नहाते। ये सब एक्सपीरियंस आप होम स्टे में कर सकते हैं, होम स्टे के लिए भी आप पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं भूल गया बताना, जैसे देखिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो जब आप इमिग्रेशन के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको अपनी होटल की बुकिंग दिखानी मस्ट है, बिना होटल की बुकिंग के एंट्री नहीं मिलेगी साहब।
तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वो एक दिन की बुकिंग कराते हैं, ठीक है, उन्होंने एक दिन के लिए थिम्पू में बुकिंग करा ली और उसके बेसिस पे उन्होंने परमिट ले लिया। अब क्या करना है कि वो थिम्पू आने के बाद फिर होटल्स एक्सप्लोर करते हैं, या अगर उनका कोई एक फिक्स प्लान नहीं है तो मान लो दो दिन थिम्पू में रह गए, तीन दिन पारो में रह गए, ऐसा करना है अगर, या डिसाइडेड नहीं है तो वो पहले से बुकिंग नहीं करते और यहाँ आने के बाद एक्सप्लोर करते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस गाड़ी को हायर करेंगे वो बंदा ले जाके आपको होटल दिखा देगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि शायद उसका थोड़ा सा एक कट हो उसके अंदर, हो सकता है कि उसका कुछ कमीशन बने, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि थिम्पू में जैसे पहुंचा, पहले दिन जिस होटल में है रुक गए, उस दिन आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर लिया और नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट होटल में जाना है तो रह सकते हैं। और होटल्स के लिए आपको मैं ऑप्शन बताया ही है कि एयरबीएनबी में ट्राई कर सकते हैं या booking.com में ट्राई कर सकते हैं या और जितनी भी होटल बुकिंग की साइट है उसमें कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस कम मिलेंगे क्योंकि अभी भी भूटान में इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी पीछे हैं, अभी बहुत ग्रो करना बाकी है। तो अगर आप ये सोचें कि मुझे सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको कुछ चीज़ें यहाँ आके ऑफलाइन में भी करनी पड़ेगी। तो बट ये अच्छा भी है, आप खुद से अपनी नज़र से देख के परख के और चीज़ों को कर सकते हैं। और ओवरऑल यही रहा मेरा एक एक्सपीरियंस भूटान का, इनफैक्ट बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। आप मुझे देखेंगे पूरी वीडियो में किस तरह से आगे जो वीडियोज़ आएंगे, किस तरह से मैंने इस जगह को एक्सप्लोर किया है, क्या कुछ देखा। मेरे लिए तो मतलब ये एकदम ड्रीम लैंड था, मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि भूटान यार इतना खूबसूरत होगा और इतना कुछ है यहाँ इस देश में, जिसे कि आज से कुछ 50 साल पहले कोई जानता तक नहीं था। तो अच्छा लगा, आपको भी पसंद आएगा और होप ये सीरीज़ पसंद आए आपको और इसे खूब सारा लाइक करें, आप खूब सारा शेयर करें इस पूरी सीरीज़ को, और कुछ सब्सक्राइबर्स भी मेरे बढ़े, कुछ आप लोग हेल्प करें ताकि मैं और ज़्यादा जगह और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूं। तो बस यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मेरे एक्सपीरियंस को बताएंगी, मेरे थ्रू आपको दिखाएंगी कि किस तरह भूटान आप घूम सकते हो और कैसा है भूटान, जिसे कि इतने कम लोग जानते थे इतने समय से। तो चलिए बातें हो गई, अब यहाँ करते हैं इस वीडियो को एंड। और ये जो खूबसूरत आप नज़ारा देख रहे हैं पीछे और ये सब, ये भूटान का असली ब्यूटी है। इनफैक्ट ये तो और भी बहुत कुछ है, वो सब कुछ कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकता। तो अरे हाँ, एक चीज़ और, इंस्टाग्राम में यार मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए कि आप लोग, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं एकदम कॉन्स्टेंट अपडेट्स डाल रहा हूँ, ठीक है। और आपका कोई डाउट होता है ना तो एकदम उधर इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगा भाई, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और तो भाई यही है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन की स्टोरी, आगे जो आप देखेंगे। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और नई सीरीज़ को शुरू करते हैं।